Hi guys, here. Welcome back. हम एक सीरीज चला रखे हैं फ्लाई विच इज फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर यूथ एंड वी आर डूइंग दिस सो दैट एवरी वन एट एन एज फ्रॉम एटीन टू ट्वेंटी कैन अंडरस्टैंड द मार्केट एंड कैन एक्चुअली गो एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट एन अर्ली एज इसके बेनिफिट क्या होते हैं और क्यों करना चाहिए ये हमने लास्ट वीडियो में बात किया था अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें कैसे हाउ हाउ डू वी एंटर फाइनेंशियल मार्केट एट दैट एज राइट सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट हम तीन ऐसी क्या गलतियां करते हैं उस एज पे जो हमें नहीं करना है पहला गलती तो यह है कि हम टिप्स लेना शुरू कर देते हैं हम ऐसे कई टेलीग्राम ग्रुप्स या व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ पे स्टॉक टिप्स आते हैं उसको देख के हम एक इन्वेस्टमेंट uh, करना शुरू कर देते हैं नाउ दिस इज नॉट द बेस्ट सोर्स ऑफ यू नो नॉलेज दिस इज नॉट द बेस्ट रिसोर्स एज वेल अगर आप टिप्स को उल्टा पढ़ें तो उसको स्पिट बोला जाता है तो क्या ही जरूरत है, है ना दूसरी गलती कि हम इस मार्केट में बिना किसी नॉलेज के कूद जाते हैं है ना कोई नॉलेज नहीं है लेकिन हमें करना है वो भी एक बहुत बड़ी गलती है आप कुछ भी करो एक नॉलेज के साथ करो एंड थर्ड एंड द फाइनल मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ यंग पीपल डू इज दे फॉलो द हर्ड बिहेवियर कि वो कर रहा है मेरे तीन दोस्त ये कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा ये कोई ज़रूरी नहीं है हम बचपन में बोलते थे ना वो कुआं में कूद रहे तो क्या हम भी कूदेंगे तो ऐसा नहीं है आप नॉलेज के साथ करो बट डोंट गेट इन टू अ हर्ड बिहेवियर भीड़ चाल पे चलने वाली वाले काम मत करिए राइट सो हाउ डू वी रियली गेट इन टू इन्वेस्टमेंट तो दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं एक तो होता है इक्विटी और एक होता है डेट और राइट एंड दोनों में हमारा एक्सपोजर होना चाहिए अब कितना एक्सपोजर होना चाहिए बाई थम रूल ये हम मान लेते हैं कि अगर हमारा एज 20 है तो 100 माइनस ट्वेंटी एट्टी परसेंट हम इक्विटी में डालेंगे और राइट सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड अगेन क्यों हम जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि एक्विटी में हमारा जल्दी ज्यादा एक्सपोजर बढ़ जाता है यही चीज अगर मैं 50 की उम्र में करूंगा 100 माइनस फिफ्टी सिर्फ 50 परसेंट ही हमारा एलोकेशन एक्विटी में रहेगा तो जितना ज्यादा एलोकेशन एक्विटी में रहेगा उतना ही ज्यादा अप्रिशिएट आपका पोर्टफोलियो होगा इज जस्ट कैन डू इट योर सेल्फ इज वर्क ठीक है तो एक्विटी डेट एक्विटी में बाय अ थम रूल विल डू हंड्रेड माइनस योर एज दैट इज द परसेंटेज एलोकेशन इन एक्विटी रेस्ट इन डेट अब हम आते हैं कि इक्विटी में हम इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं ये एलोकेशन हम करेंगे कैसे तो तीन तरीके होते हैं या तो पहला तरीका ले लीजिए स्टॉक एस आई पी नाउ स्टॉक एस आई पी जब आप करते हो तो यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज यू हैव टू डू दिस डायरेक्टली आपको ये डायरेक्टली एक एक्सचेंज में जाके स्टॉक खरीदने पैसे देने स्टॉक्स आपके डी मार्ट में आ जाएंगे इसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और बिना नॉलेज के आप नहीं इसमें घुस सकते हो दैट इज एप्सलूटली क्लियर एंड सेकेंड दैट यू नीड टू बी प्रिपेर टू लर्न पहला आपके पास नॉलेज होना चाहिए और दूसरा आप उस नॉलेज को लर्न करने के लिए ग्रास्प करने के लिए रेडी होने चाहिए ठीक है अब अब आते हैं दूसरा तरीका जिसपे आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं विच इज एसआईपी इन थीमेटिक इन्वेस्टमेंट एंड थर्ड ऑफकोर्स है निफ्टी बीज अगर आपको कुछ नहीं पता मुझे निफ्टी निफ्टी नहीं पता क्या होता है तो हम एक इंस्ट्रूमेंट होता है निफ्टी बीज बोल के उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं इट तो सेकेंड वाला जो थीमेटिक इन्वेस्टमेंट है वो हम कैसे करें ना वॉट यू कैन डू इज हमारे पास एक वेबसाइट है स्मॉल केस बोल के स्मॉल केस डॉट कॉम इफ यू गो टू दैट वेबसाइट एंड यू कैन चेक इट आउट देर आर डिफरेंट थीम्स अकॉर्डिंग टू योर नीड्स सो वेन वी फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन टॉप हंड्रेड स्टॉक्स इन द मार्केट देर इज अ थीम देर इज अ स्मॉल केस कॉल्ड टॉप हंड्रेड स्टॉक्स आप देख सकते हो मिनिमम इन्वेस्टमेंट तीन हजार अठारह रुपए यहां पे है पांच साल का सीएजीआर एजीआर सोलह परसेंट है विच इज वेरी वेरी गुड ऑल राइट एंड आप उसके बारे में डिटेल में यहां देख सकते हो ग्राफ में भी देख सकते हो इक्विटी लार्ज कैप का परफॉर्मेंस एंड दिस हैज बीटन दैट दिस फंड हैज बीटन द इक्विटी लार्ज कैप परफॉर्मेंस इज वेल ठीक है सो दिस इज द काइंड ऑफ स्मॉल केस दैट वी टॉकउट अगर आपको थीमेटिक uh, इन्वेस्टमेंट्स करने हैं तो आप स्मॉल केस में जाके स्मॉल केस में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप मिनिमम uh, इन्वेस्टमेंट क्या होता है यहाँ पे लिखा रहता है आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं और इसके लिए जनरली मैं एक ब्रोकर यूज करता हूं आई एंड यू कैन यूज योर ब्रोकर इफ दे आर कनेक्टेड विथ स्मॉल केस येस ऑन नो बट इफ दट इज कनेक्टेड यू कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट फ्राम योर यूजिंग योर ब्रोकर इज वेल ठीक है अब अब आपको अगर थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना है

राइट सो फॉर अ फॉर अ बेसिक इन्वेस्टमेंट कि हमें टॉप हंड्रेड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो एक स्मॉल केस है टॉप हंड्रेड स्टॉक्स का अगर आपको थोड़ा ज्यादा रिस्क चाहिए स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए तो आप वैल्यू एंड मोमेंटम वाले स्मॉल केस में इन्वेस्ट कर सकते हैं ऐसे और दूसरे वैल्यू एंड मोमेंटम स्मेल स्मॉल केस भी होंगे जहाँ पे मिनिमम कैपिटल थोड़ा सा कम रिक्वायरमेंट होगा तो आप वो आप चेक कर सकते हैं स्मॉल केस डॉट कॉम पे सो so, हम डेट पे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं डेट पे दो दो स्ट्रैटेजी हो सकता है एक तो आप पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं नाउ अगेन इसमें कुछ टर्म्स होते हैं एक तो इसका पंद्रह साल का लॉक इन होता है इसीलिए आपको जरूरी है कि आप जल्दी स्टार्ट करें इफ यू स्टार्ट अर्ली इन्वेस्टमेंट इन पी देन फिफ्टीन ईयर्स लेटर आप उसको रिडीम कर सकते हो और उसका जो रिन्यूअल होता है वो एवरी फाइव ईयर रिन्यूअल होता है यू डोंट हैव टू डू यू डोंट हैव टू रिन्यू इट फॉर अनादर फिफ्टीन ईयर्स तो सोचिए अगर मैंने पच्चीस साल में इन्वेस्टमेंट शुरू किया होता पीपीएफ का आज मैं अगर फोर्टी का हूं तो मैं आज इस साल उसको रिडीम करके या रिन्यू करके एवरी फाइव ईयर्स रख सकता हूँ अगर मैं इसको लेट स्टार्ट करूंगा तो इसका रिडेम्पशन बहुत लेट होगा मिनिमम अमाउंट फाइव हंड्रेड रुपीज होता है और इसका एक लिमिट होता है मैक्सिमम साइट विच इज वन पॉइंट फाइव लैख रुपीज एनुअली सो जल्दी स्टार्ट कीजिए इन्वेस्टमेंट जल्दी स्टार्ट करना बहुत जरूरी है दिस इज वाई आई एम मेकिंग दिस एंटायर सीरीज कॉल्ड फ्लाई फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर यूथ सो दैट यू अंडरस्टैंड वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट अर्ली सेकेंड स्ट्रेटेजी होता है डेट में इन्वेस्ट करने का कोई गोल्ड फंड या डेट फंड पे गोल्ड फंड इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा स्ट्रेटेजी इसलिए भी होता है क्योंकि वो एक तरीके का हेजिंग स्ट्रेटेजी भी यूज करते हैं उसका मतलब ये होता है कि हम ये माना जाता है ये कि अगर एक्विटी ऊपर जा रहा है तो गोल्ड स्लो हो जाता है या थोड़ा सा डिक्लाइन में रहता है अगर एक्विटी फॉल होता है अगर मार्केट्स फाइनेंशियल मार्केट्स फॉल होते हैं तो गोल्ड जो है वो अप्रिशिएट होता है ठीक है इस कारण से हम थोड़ा सा गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में एज अ हेज या एज अ डेट रखना चाहते हैं सो एज एज एड डेट के दो तरीके होते हैं एक पीपीएफ में आप कर सकते हैं और एक गोल्ड फंड या डेट फंड में लगा लगा सकते हैं रफली दे शुड गिव यू मोर देन सेवन परसेंट रिटर्न विच इज अ डिसेंट रिटर्न फॉर अ डेट फंड नाउ अगर आप ये चाहते हैं कि आप इक्विटी और डेट दोनों का एक स्मॉल केस आप मेरे को बता दो तो मैं स्मॉल केस में इन्वेस्ट कर लूंगा

And then dive into the world of financial markets at an early age. You will see, you'll thank yourself 40 years later. Till next video, thank you very much. Take care. Bye bye.